अच्छा 60 सालों से दुकान। यहाँ से आगे हम सांस बहु टेम्पल जाएंगे, सांस बहु मंदिर, सहस्र बहु टेम्पल भी बोलते हैं उसको, वहां जाएंगे। अब यहाँ से निकल गए, सास बहु मंदिर कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी से 1 किलोमीटर आगे। और ये है सहस्र बहु मंदिर, सास बहु मंदिर भी कहते हैं इसे, बहुत ही पुराना है। बप्पा रावल काल बोध जिसको कहते हैं, उनके समय का बना हुआ है। और इसको वो मुगलों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरा, जिसके भग्नावशेष अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये है वो सहस्र बहु मंदिर जिसका कि हम चित्र कर, तो मंदिर जी मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी दो। देखो इस मंदिर का इतिहास यही है कि ये बहुत ही पुराना, आधी 9वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है। जो यहाँ मेवाड़ के प्रारंभिक शासक थे बप्पा रावत, उनके समय में बना था। उसके बाद में जब ये मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने फिर यहाँ आक्रमण किया और आक्रमण करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इतना मजबूत था कि पूरी तरह से तब भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और अभी भी मतलब आज लगभग 1100-1200 साल हो गए, लेकिन फिर अभी भी इसके भग्नावशेष जो है हमारे सामने ये मौजूद अवशेष है इसके। उसके बाद में भी बहुत सारे मेवाड़ के शासक हुए, लेकिन उनका जीर्णोद्धार किसी ने अभी तक करवाया नहीं, इसलिए ये इसी अवस्था में हमारे सामने उपलब्ध है। कौन सी शैली में बना हुआ है यह मंदिर? पंच आयतन शैली में। कौन सी पंच आयतन? पत्थरों के ऊपर बारीक काम, ये देखिए आप थोड़ा इस पर जूम कीजिए। ओह, पत्थर के ऊपर इतना बारीक काम, ऋषि पुरुषों की मूर्तियां भी हैं, प्री वेडिंग शूट भी होते हैं। इन मंदिरों की खासियत है कि इनके अंदर किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। हर मंदिर खाली है। हजारों सालों से जो का त्यों खड़ा है। सारी नक्काशी पत्थरों पर की गई है। ये
यहाँ मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं है किसी भगवान की, इसका क्या कारण है? महेंद्र भाई साहब और हमारा महेंद्र भाई साहब, ये दोनों टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और हमारे सर तो हिस्ट्री के सर हैं, हिस्ट्री के मार साहब है, सर है, गुरुजी है, जो भी बोलो। कौन से सर आप? डूंडी स्कूल सायरा पंचायत समिति में एक विद्यालय है डूंडी। हमारे महेंद्र सर आप कहाँ के, कौन से स्कूल में? मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल गोविंदा में हिंदी से प्राध्यापक। इनको हिस्ट्री का बहुत ज्ञान है। का मेन मंदिर है कैलाशपुरी, इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर जाते हैं महादेव का दर्शन करते हैं। यहाँ पे एकलिंग जी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। एकलिंग जी के अंदर मिर्ची बड़े फेमस है, एकलिंग जी के मिर्ची बड़ों के बारे में कुछ बताइए, क्या कहना है आपका? अरे भाई साहब बात छोड़ दो, क्या मिर्ची बड़े, आप एक बार खाओ दीवाने हो जाओगे। ये स्वाद आपको उदयपुर में नहीं मिल सकता, इसके लिए आपको यही आना पड़ेगा। अब देखो आप पूरा मत मानना, हंसना मत, कम से कम 7-8 खा के उठेंगे। बड़े आ चुके हैं, तीन भाइयों के 3 मिर्ची बड़े और इसकी चटनी। मिर्ची बड़े और इसकी चटनी का खास तालमेल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने सालों से अंकल आप यहाँ पे? 60। अच्छा 60 सालों से दुकान यही पे आप? अच्छा 60 साल से मेरी दुकान यहाँ है। पहले यानी मैंने 30 साल उधर सामने से। अच्छा सामने की तरफ से दुकान थी आप? वो किराए की थी, अब ये मंदिर की। सबसे पुरानी आपकी है सर दुकान? सबसे पुरानी दुकान आप ही की? जलाने वाले मैं ही हूँ भाई साहब। आपने चालू किए यहाँ पे? पहले इतनी सी मिर्ची का मिर्ची बड़ा बनाता था, उल्टा ये मिर्ची ना आज बड़ी न हरी चौमा सारी मर्चा से यूँ आती कटी। तीन मर्चा तो जोड करी मिर्ची बड़ा बनाना, ऐसी ऐसी आती 3 मिर्ची बड़ा बड़ी बड़ी मिर्चा बड़ी बड़ी। इडली जी में भी फेमस है, मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे स्वाद बढ़िया, स्वाद तो एक नंबर है, अभी खाया। कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी से 1 किलोमीटर आगे अंदर केले कई है था? मिर्ची बड़े और इसकी चटनी का खास तालमेल है। क्यों अंकल, सही बात है, मिर्ची बड़े के साथ में चटनी का तालमेल कैसा है? बोलो ना। बोले
करते हैं।